एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हम ठीक है। और अभी सुबह का टाइम है, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में इडली बना रही हूँ, और ये मूंगफली, नारियल और करी पत्ता और अदरक लहसुन मिर्ची डालकर मैंने चटनी बना लिया। और थोड़ा सा बाकी था और लास्ट में ये बना रही हूँ। आज एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए मैं ला रही हूँ, और ब्लॉग इतना लंबा नहीं होगा क्योंकि मेरा मोबाइल भी ख़राब है, बैक के मेरा ख़राब हो गया है मेरा। तो देखते रहिए आज का ब्लॉग। और ये देखिए, बच्चे अभी स्कूल जाएंगे तो मैं हिमाश्री का जूता पॉलिश कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग सभी खुशहाल हैं, खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। और आप लोग सबको तो पता ही है कि असम में कितना बाढ़ आया है, दो दो बाढ़ आया है, और बहुत मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। हमारा दीदी लोगों का घर में भी पानी, मतलब बाढ़ का पानी आया था, तो लोगों को भी बहुत परेशानी उठाना पड़ा। अभी थोड़ा पानी कम हो रहा है, और हमारे ससुराल में भी मतलब घर में नहीं, पानी घर के अंदर नहीं आया, लेकिन पूरा बरामदे तक आ गया था, तो अभी सूख रहा है। और बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, मेरा मोबाइल भी ख़राब है, थोड़ा सा कैमरा, बैक कैमरा ख़राब हो गया है, और मेरा तबीयत भी ख़राब था। आप लोगों को तो पता ही है, जब मैं आसाम से आई थी तब मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं GNRC में अपना मतलब वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए गई थी, और रिपोर्ट में क्या आया था मतलब आप लोगों को मैंने बताया नहीं। और रिपोर्ट में वही आया था, यूटेरस का प्रॉब्लम, यूटेरस पोलिप और लेफ्ट ओवेरी सिस्ट, वही रिपोर्ट आया। फिर एडमिट करने के लिए बोला था, लेकिन हमारा पास टाइम भी नहीं था, छुट्टी भी ख़त्म होने वाला था, और पैसों का भी थोड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि मेरी माँ का मतलब इलाज करने में बहुत सारा पैसा खर्चा हो गया था। तो मैंने अपना इलाज एक मतलब मोरेगांव डिस्ट्रिक्ट में एक गायनोकोलॉजिस्ट है, बहुत अच्छा है, वो प्रदीप सोई का नाम है, और उसके पास हम लोग गए मेरे हस्बैंड और मैं, और डॉक्टर ने सारा रिपोर्ट्स देखा, और देखकर 3 महीने का एक कोर्स दिया। और 3 महीने का कोर्स अभी 2 महीना हुआ है, और 1 महीना का कोर्स कंप्लीट करूँगी, मतलब 3 महीना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दवाई का। और फिर MRI करने के लिए बोला है, और MRI रिपोर्ट में जो भी आएगा उसी के हिसाब से वही डॉक्टर मतलब प्रदीप सैकिया डॉक्टर प्रदीप सैकिया ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो दवाई से मतलब ठीक होगा तो दवाई देंगे। जो भी हो, आसाम अभी मतलब जाने के लिए अगस्त में जाना है मेरे इलाज के लिए, लेकिन पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि छुट्टी भी तो मिलना ज़रूरी है हस्बैंड को। और फिर मैं मतलब और एक दवाई नहीं है, मतलब आयुर्वेदिक का एक जूस होते हैं, एलोवेरा जूस। मैंने बहुत दिन मतलब 1 साल पहले भी एलोवेरा जूस पिया था, वो
दूसरे कंपनी का था, और अभी जो मैं जूस पी रही हूँ, सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ एक चम्मच पीना पड़ता है, और फिर बाद गर्म पानी पीना पड़ता है, फिर थोड़ा थोड़ा देर मतलब एक घंटा कुछ नहीं खाना चाहिए। और कंपनी का नाम है वसुधा मैक्स, और वसुधा मैक्स में एलोवेरा जूस ही नहीं बहुत सारा दवाई मिलता है। और मैं तो अभी कोलगेट वसुधा मैक्स का कोलगेट भी यूज़ कर रही हूँ, और फेस वाश भी, और शैम्पू और सोप भी यूज़ कर रही हूँ। और मेरा हस्बैंड का कमर का दर्द था, तो इसीलिए वसुधा मैक्स में एक दवाई मिलता है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, आज नहीं दिखाऊंगी क्योंकि अभी मैं ऐसे थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को, मतलब मैं क्यों मतलब वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ इसी कारण, इसी वजह को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बाद में मैं वो वसुधा मैक्स का सारा सामान, मतलब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं घर में, वो सारा मतलब प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी शाम के टाइम है, मैं और मेरी फ्रेंड गेट में आए हैं कुछ ख़रीदने के लिए। और एक बात है, मेरी फ्रेंड सोच रही है मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, लेकिन उनको पता ही नहीं है मैं वीडियो बना रही हूँ। और छोटा मोटा एक ब्लॉग ही बन गया, घर में मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो भी थोड़ा आप लोगों को दिखाया मैंने। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं अभी समाप्त करती हूँ, फिर एक नया वीडियो के साथ जल्द से जल्द मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से बाय बाय एंड टेक केयर।